का हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लड़ डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है, उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदि वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है, तो आदमी नहीं है, तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया, और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें, और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहां रावण राज आ गया है, यह कार्य केवल रावण राज में हो सकता है। We'll be right back.